ये टॉपिक ऐसा है ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है. Because the data says that you only use 2% of your education after you graduate. The data says that more than 80% students will take a different profession, whatever you have taken in your college or universities. So I'm going to tell you how to convert your talent into passion into profession. How you are going to convert your passion into a profession, that is my topic. मैं आपको आज बताऊंगा वो सारी टेक्निक कैसे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं. यू नो आई विल बी शिफ्टिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बिकॉज कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं. हमारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब तक आप अंग्रेजी में दो चार शब्द ना बोल दें तब तक आपको एलीट क्लास में शामिल नहीं किया जाता है. आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट स्पोक इन इंग्लिश इन माई स्कूल आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली. इट वॉज अ हॉरिबल एटमोस्फेयर. I never saw my dad smiling, laughing, hugging and saying, I love you. I never saw that. I never saw my dad coming and encouraging and motivating and inspiring and saying, do whatever you want to do. Teri apni zindagi hai, jeena chahiye tujhe. He had a fixed goal and a dream and a desire, tujhe ye banna hai. Aur maine 12 saal ki umar mein ye discover kar liya tha, mujhe kya banna hai. Am I making some sense? Jor se jara yes boliye. मैंने अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में उस दिन डिस्कवर कर लिया था कि मेरे अंदर एक स्पीकर छुपा हुआ है, मेरे अंदर एक एंकर छुपा हुआ है, मेरे अंदर एक स्टेज पे परफॉर्म करने वाला एक कलाकार छुपा हुआ है. एंड थैंक्स टू माय स्कूल. आई रिमेंबर द डे जब हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम था और जब सबका स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, डायलॉग रिटन दे दिया गया था. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल डे. और सारे मेरे कलीग्स जो 89%, 90%, 95% वाले आगे थे, उनको लगता था कि वो सब्जेक्ट में अगर 95% ला सकते हैं तो डायलॉग डिलीवरी में भी 95% ला सकते हैं. क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं दोस्तों? जरा जोर से ये बोलिए. उनको लगता था कि चूंकि आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, सो आई विल बी डिलीवरिंग माई डायलॉग इन फ्रंट ऑफ ऑल द पैनलिस्ट. एंड आई वॉज नॉट गुड इन एकेडमिक्स, ऑफकोर्स आई कन्फेस दैट. I was only good in literature. But here was an opportunity. I was standing in the last row. I was the last guy to perform. Antim number mera tha. Aur us din mujhe yaad hai, King Ashoka ke upar aapko dialogue delivery karni thi. Aur dialogue bada simple tha. Dialogue bada simple tha. Mera dialogue tha, hum kalim ki eet se eet baja denge. Hum kalim ke daanton को तोड़ के रख देंगे. ऑल दीज डायलॉग में दे, मैंने देखा जिनके 85% 90% आ रहे हैं वो डायलॉग कुछ ऐसे बोल रहे हैं, हमें लगता है हम कलीम की ईंट से ईंट बजा देंगे. उनको लगता है, वो बजाने के लिए कंफर्म नहीं है. वो डायलॉग को भी पोएट्री के हिसाब से बोल रहे थे और मैं कह रहा था अपने मन में, गेट लॉस्ट लेट मी कम. मुझे पता था कि आज का दिन मेक या ब्रेक वाला होने वाला है. आज ही का दिन है दोस्तों. याद रखिएगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं और अगर आपने उनको ना कर दिया तो सारी जिंदगी आप रिग्रेट में रहेंगे, सारी जिंदगी. और एक के बाद एक, एक के बाद एक. एंड हियर वाज माय टीचर, जब उन्होंने मुझे देखा और कहा, अच्छा आप भी हैं? मैंने कहा मैं ही हूं. उनका कोई दोष नहीं था क्योंकि मैं अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में. तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट, शी सेड आप भी हैं. ओहो अग्रवाल साहब आप भी हैं. और मैंने मन में कहा जी. और मैंने, उन्होंने कहा आप तैयार हैं? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार हूं, आप बस आज्ञा दीजिए मुझे. और उन्होंने कहा गो. एंड देयर आई वाज एंड आई लुक्ड इनटू देयर आईज एंड आई सेड मैं कलीम की ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि उनसे खुंदक आ रही थी मुझे. और मैंने, मुझे आप आज्ञा दें, मैं उनके दांतों को तोड़ के रख दूंगा लाइक अ किंग. शी स्टूड अप, शी हग्ड मी एंड शी सेड, यू हैव डन इट माय बॉय, यू आर फॉर द जॉब. दोस्तों आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने भीतर रात को झांक कर देखना. लुक इनसाइड एंड फाइंड आउट आपके भीतर कौन सा कलाकार छुपा हुआ है. सिंगर है, डांसर है, स्पीकर है, फाइंड आउट, बिकॉज दैट्स इन योर डीएनए. इस दुनिया में किसी व्यक्ति को ताकत नहीं है कि आपके सपनों को छीना जाए, बिकॉज दैट्स योर प्राइवेट ड्रीम्स. नो बडी हैज द गट्स टू स्नैच अवे योर ड्रीम्स, दैट्स योर ड्रीम.
And if somebody says, मुझे लगता नहीं है तू ये बन पाएगा, उनको बोला यू आर नॉट द लास्ट जज ऑफ माई लाइफ अनफॉर्चुनेटली, तुम मेरे जीवन के अंतिम जज नहीं हो, अभी पिक्चर बाकी। एक 4 साल का बच्चा, ध्यान दीजिएगा, मजेदार स्टोरी है। एक 4 साल का बच्चा अपने पिताजी को आके कहता है, डैड मैंने अपना टैलेंट डिस्कवर किया है। हमारे पिताजी, सो कॉल अनट्रेंड पिताजी, क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी क्वालिफिकेशन के बाद भी लोग अनट्रेंड होते हैं, बात करने की तहजीब नहीं होती है, शब्दों का सही चुनाव नहीं होता है। हमारे पिताजी, मतलब उस बच्चे के पिताजी, रिस्पॉन्डेड टू दिस 4 साल का बच्चा, सुना क्या टैलेंट है। बच्चे से हम कहते हैं आप अदब से पेश आइए, आप सही बिहेव कीजिए, लेकिन दोस्तों बच्चे डिक्टेशन से नहीं सीखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से सीखते हैं। अनफॉर्चुनेट हम बच्चों को कहते हैं गलत एमएमएस मत देखो, लेकिन पिताजी भी एमएमएस से लगे हुए तो हम क्या करें, लगे होते हैं पिताजी एमएमएस, और ये सच्चाइयां हैं। और मैं रियलिटीज के अलावा कुछ बोलता नहीं हूं, मैं सीधा हिट करता हूं, आर या पार, कटोरा या कार, सच्चाइयां हैं। पेरेंट्स मुझसे आके कहते हैं आप मेरे बच्चों को तहजीब सिखाइए, मैंने कहा 3 दिन मुझे आप अपने घर में रहने की इजाजत दीजिए, मुझे पता लग जाएगा तहजीब कहां से आती है। 3 दिन मैं रहा और पता लग गया तहजीब का होलसेल तो पिताजी से मिल रहा है। बच्चे ने कहा पिताजी मैंने अपना टैलेंट, आप स्टोरी में वापस मैं एंटर करता हूं, द गाइस सेड दैट आई हैव डिस्कवर्ड माय एंड दैट्स इट, गो ऑन। बच्चे से नहीं डर, थोड़ा ढंग से पूछिए ताकि मुझे जोश भी आए। बच्चा कहता है डैड मुझे लगता है मेरे अंदर शायर छुपा हुआ है। 4 साल का बच्चा, क्या बुराई है अगर इसने शेयर कर दिया तो, इतनी इजाजत घर में होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो चाहे आपसे बात कर सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम करता हूं और माफ कीजिएगा मैं परसेंटेज पर बात ही नहीं करता हूं, तो मैं परसेंटेज पर बात नहीं करता हूं क्योंकि परसेंटेज तो बच्चे ने जंप कर दिया, उसने अपना आईक्यू लेवल जंप करके दिखा दिया है कि हम 70 से 90 पे पहुंच गए, तो उसको क्या सिखाना है। मेरे इश्यूज कुछ अलग हैं बच्चों के साथ। मैं देखता हूं परसेंटेज लेने के बावजूद भी ये बच्चा खुश नहीं है क्योंकि ये बनना चाह रहा है और ये बनता कुछ है। मैं आपके साथ हूं। बच्चा कहता है डैड मैंने डिस्कवर किया है मेरे अंदर एक शायर छुपा हुआ है, मैं शायरी और शेर लिखना चाहता हूं, तो मैं आपको एक अपना पहला शेर सुनाना चाहता हूं, द फर्स्ट शायरी ऑफ माई लाइफ गोज टू यू डैड। बाप उनके पिता कहते सुना लेट हो रहा हूं। बच्चा कहता पहले इरशाद कहिए, शायरी का पहला उसूल है सुनने वाले को थोड़ा इरशाद कहना पड़ता है। पिताजी ने बिना इच्छा के, विदाउट इवन एनी इंटरेस्ट, इसे अच्छा अच्छा इरशाद इरशाद शुरू करो। बच्चा कहता है डैड हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी नाव वहां डूब गई जहां पानी बहुत कम था। कश्ती बोलना अभी सीखा नहीं है, कश्ती बोल उर्दू वर्ड है, कश्ती वर्ड अभी सीखा नहीं है, नाव तक बच्चा पहुंच गया है। पिताजी नजदीक आते हैं, कान मरोड़ते हैं, कहते हैं बस तुम तो थे बेवकूफ, तुम्हारे में कहां दम था, और नाम ले जाने की वहां कहां क्या जरूरत थी जहां पानी बहुत कम था। उनको ये टेंशन हो गई कि तुम अकल तुम्हारी नहीं थी, जब पानी कम था तो नाम ले जाने की क्या जरूरत। दोस्तों ये हमारी स्थिति है। मैं बच्चों से जरा कम बात करना चाहता हूं, पेरेंट्स और फैकल्टीज से ज्यादा बात करना चाहता हूं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने 20 साल के रिसर्च में जो मैं ट्रेनिंग और काउंसलिंग देता हूं, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी फॉलो करता हूं, और एक रिसर्च ये बताती है कि 85% आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस रोल प्ले करती है, 7% आपका कंटेंट प्ले करता है। हमारा बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है वो जिस बॉडी लैंग्वेज से बैठता है, उसके पास 2 डिग्री है, he is an MBA plus BTEC together। आप इमेजिन कीजिए a guy who is an MBA plus BTEC together, और मुझसे कहता है राजेश भैया 4,000 रुपए की भी नौकरी मिल जाए तो आप कहीं मेरा रेफरेंस करके करवा दीजिए। मैंने कहा यार इससे पहले मैं यमुना नदी में कूद जाना चाहूंगा।
तूने एमबीए प्लस बीटेक किया, एक साल किया है, इसके बाद भी नौकरी नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस गाय माय फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ही डजंट नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इंटरनेट अच्छा है नहीं है मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा. मुझे इतना पता है कि आप दुनिया के 90 देशों में लोग मुझे केवल इंटरनेट की वजह से जानते हैं, केवल इंटरनेट की वजह से. मुझे इतना पता है कि मेरी 90% बिजनेस इंटरनेट की वजह से आती है. मुझे इतना पता है कि मेरी 102 वीडियोस YouTube पे अपलोडेड है, जो लोग डाउनलोड करके अपनी जिंदगी बदलते हैं. मुझे इतना पता है कि अब स्वामी विवेकानंद शिकागो कन्वेंशन में लेक्चर देने जा रहे थे और शारदा माँ के पास गए कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आई एम गोइंग टू शिकागो. शारदा माँ, यू नो, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी की बात मैं कर रहा हूं. और उन्होंने शारदा माँ के जब पैर छुए तो शारदा माँ ने कहा, इससे पहले कि तुम शिकागो जाओ, जरा किचन से जाके एक नाइफ ले आना, मुझे कुछ सब्जी काटनी है. अब देखिए कहां शिकागो, कहां किचन, कहां नाइफ. उन्होंने कहा, मैं समझ में नहीं पाया, बोले पहले ले तो आओ फिर बताऊंगी मैं. तो विवेकानंद किचन गए और वहां जाके उन्होंने नाइफ वो लाए, तो जो नाइफ के रफ एज था, जो धार वाला हिस्सा था वो उन्होंने खुद पकड़ा और जो वुडन वाला हिस्सा था वो शारदा माँ की तरफ कर दिया. और शारदा माँ ने कहा, अब तुम जाओ क्योंकि मुझे पता है तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते हो. इंटरनेट किसी का बुरा नहीं करता है, हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड. मेरे कितने सारे यंग स्टूडेंट्स जो 10, 12, 11 के, जिनको मैं पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग देता हूं, इंटरनेट की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए हैं. मेरा एक स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है इंटरनेट. अभी कल ही मुझे एक बहुत प्यारी अपनी स्टूडेंट मिली, 10 साल पहले उसने मेरा कोर्स किया था और वो कह रही थी कि अगर आप कितनी वीडियोस नहीं होती तो मैं एक्सटेम्पो स्पीकर नहीं बन पाती. भी आपकी वीडियो बताते हैं एक्सटेम्पो कैसे बोला जाए. तो दोस्तों समराइज करते हैं जरा और स्टेप बाय स्टेप आते हैं. समरी ये है कि पहले तो यू मस्ट डिस्कवर वॉट गोज इन साइड योर सोल, आई वोंट से हार्ट. वॉट गोज इन योर सोल, रात को सोते वक्त कौन सा ड्रीम चलता है जो आपको सोने नहीं देता है, जिसको आप अगर करते हो तो आपका घड़ी बंद हो जाती है, टाइम बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती है. दैट इज द टैलेंट यू आर हैविंग इन योर डीएनए. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसको अगर आप अपना प्रोफेशन बना पाए, अगर, जो कि टफ है. आई वॉज फॉर्चुनेट क्योंकि मैंने कुछ लोगों की बात नहीं मानी थी. आई वॉज स्टिक टू माई जिद एंड आई सेड इवन इफ आई डाई आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ माई टैलेंट, बिकॉज जिंदगी बार बार नहीं मिलती है. Am I reaching somewhere? Yes, discover that in your DNA. Don't sleep without discovering. And it's lying inside. Only thing is covered. And people might have told you, don't build castles in the air. I'm sorry, I must build castle in the air. हवाई किले मत बनाओ. मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगा क्योंकि रियल किले बनाने के पहले हवाई किले बनाना पड़ता है. सच्चाइयां हैं. मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगा. आपको ये इजाजत नहीं है कि मेरे सपनों को आप क्रश कर दें, माफ कीजिए, ये मेरे प्राइवेट सपने खुदा के द्वारा दिए गए, इसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं. लेकिन हम करते हैं, हम अनट्रेंड हैं, हम कर जाते हैं. तो पहले मित्रों, जो आज यहाँ पे मेरे बहुत सुंदर प्यारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, 13 से 19 साल, इसको मत भूलिएगा, मैं अगले पड़ाव पे आ रहा हूं, 13 से 19 साल, बिटवीन 13 and 19 years इज द राइट टाइम टू फाइंड आउट वॉट इज योर नेचुरल टैलेंट. इट्स एक्टिंग, इट्स इंजीनियर, it's dancing, I don't know, you got to find out. But here goes the next point. Interest discover karne ka matlab ye nahi hai ki aap safal ho jaye. It's just a discovery. Safalta aur discovery do alag alag cheez hai. And I always say, achievement is not success. Achievement means when you do something good, you feel happy, it's an achievement. I'm speaking right now and I'm feeling very happy talking to you and I'm feeling that, thank God, God has given me right wisdom. I came back, I'm speaking and I'm enjoying. This is not success. This is just an achievement. But when your achievements are recognized by people, when you are in demand, when people find you on internet, when people search on Google, when people give you a telephone call and they say, we want you, it's a success. मुश्किल है. लेकिन अगर आप आज रोटरी के इस कार्यक्रम के बाद जाके घर कर पाए, हमारे हिंदुस्तान में ये एक्सप्रेशन वाली बात सिखाई नहीं जाती है. शिकायतें तो हम तुरंत निकाल देते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं. विवेकानंद जी से लव अनएक्सप्रेस्ड इज लव लॉस्ट. जो प्यार एक्सप्रेस ना किया जा सके वो लॉस्ट हो जाता है. जस्ट गिव देम अ हग एंड से आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, क्योंकि आपने जितना किया बहुत किया, मेरा टाइम है आगे सोचने का.
The only person I miss in my training session, because my dad died when I was hardly 20 years old, despite having differences and issues with him, the only person I miss in the training session is my dad. Because I remember his last word when he was departing. The last word which he conveyed to my mom. I was there outside in the market. And he said, "Don't cry. Your son is absolutely trained to look after you. Nothing wrong will happen." And that's the last word of departure. And he departed. And I miss him every time when I see. He's sitting somewhere here. He's sitting somewhere here. And every time after my presentation, I say, "Thank you for bringing me on this planet. You are the best. You are the best." हम कभी-कभी गुस्से में नहीं कह पाते हैं. हम गुस्से में बहुत सारी चीजें नहीं कह पाते हैं. इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. And as per my calculation, it takes 10 years exactly 10 years to achieve what you want to achieve. I came in this city in 1991. I'm not from Delhi. I born and brought up in Kolkata. I came here in 1991. My dad lost everything in the business and we shifted overnight in Delhi. I remember I used to sell t-shirts in the Palika Bazaar market, gate number 5 down, on the hangers. And then I left that job. Then within 4 months my dad died and I had 2 younger sisters to look after. There was nothing in future. Everything was absolutely collapsed. Finished. Gone. I couldn't graduate due to financial challenges. And I was selling t-shirts there one day in 1991. And I was planning about my future. And I was telling myself, this is not my destiny. I'm not meant for all these. I knew something is inside me burning. And when I was thinking like this, I found a guy who became my friend. And he was a palmist. And he looked at my hand. He said, "Don't mind, but let me tell you something. Crisis mein palmistry achhi lagti hai." I said, "Please go ahead." And he looked at my palm and he said, "Duniya ki koi taakat tumhe popular banne se rok nahi sakti hai. Duniya ki koi taakat tumhe successful banne se rok nahi sakti hai." Maine uske gaal pe do thappad lagaye. Maine kaha, "Yaar, tragedy ko comedy mat bana, please yaar. Aisa mat kar." Bole, "Tu mera dost hai. Ek thappad aur laga le, lekin main jo keh raha hu wo ho ke rahega." Phir maine thoda aur interest liya. क्योंकि सामने वाला अगर इतनी कन्विक्शन के साथ बात करता है, जैसा कि एक हमारी टीचर है, बहुत प्यारी टीचर है, हम टीचर्स के लिए बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, तो उन्होंने मुझे एक एपिसोड सुनाया. उन्होंने कहा, "राजेश जी, मेरे यहाँ एक बड़ा डल स्टूडेंट आया, दूसरे सेक्शन से उसको ट्रांसफर किया गया. उनको ऐसा लगता था कि मैं इसको ठीक कर दूंगा. तो जब वो आया तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, ये सारी टीचर्स के लिए एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बेटे तुम्हें पता है तुम्हें मेरे सेक्शन में क्यों भेजा गया है?" बोले, "मैम, मैं गॉन केस हूं." तो लोगों को लगता है आप ठीक कर देंगे. तो मैंने उस बच्चे का हाथ देखा, बस देख के कहा, "मुझे नहीं पता तू गॉन केस है नहीं, पर तेरी रेखाएं अलेक्जेंडर से मिलती हैं. पहुंच रहा हूं मैं आप तक, तो थोड़ा यस रिस्पॉन्स करें. तेरी हाथ की रेखाएं अलेक्जेंडर से मिलती हैं." जैसे जैसे मैं बता रही थी, उसका चेहरा ऐसे ऐसे होता जा रहा था और थोड़ी देर में वो बिल्कुल फिट हो गया. उसकी चाल ढाल में अलेक्जेंडर घुस गया था. और इस टीचर को मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर नहीं कहता हूं, इंस्पिरेशनल टीचर कहता हूं. दुनिया के दो नोबलेस्ट प्रोफेशन है, डॉक्टर एंड टीचर. नोबलेस्ट. हो सकता है कमर्शियली आपको बहुत रिवॉर्ड ना दे, हो सकता है, बट ये आपको जितनी रिस्पेक्ट देके चले जाएंगे, अच्छे अच्छे सफल व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं मिलती. ये सारी जिंदगी आपको लोग याद रखें, अच्छे अच्छे लोग. सो माय फ्रेंड टोल्ड मी, "कोई ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती है." तो मैंने कहा, "मुझे करना क्या है? जस्ट टेल मी हाउ." "अब मैं एक्साइटेड हूं, जस्ट टेल मी हाउ." ही सेड, "ओनली वन थिंग, एंड दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल. शैल आई प्रोसीड?" एंड माय फ्रेंड सेड, "नेवर एवर लुक बैक. Never ever look back and say past was good. Past cannot be good. It's always future. Achhe din aane wale hain." Let me humbly request you, find out your talent. Discover your talent. Go mad after it. Remain emotionally empowered. Love people. Give compassion. If somebody condemn, criticize and insult, and if it's a genuine criticism, shake hand and say, "Thank you for pointing out my mistake." If it's a genuine criticism. And if it's an unjustified criticism, the guy is jealous. The guy is jealous, which means you are better than him.
So give a pat on your back and say, see you later, you alligator. I mean, don't tell you. I wish to talk to you for a long, long time with complete process how to go step by step. And I hope God will give me an opportunity to come and represent myself with some new technology. Thank you very much. God bless you.